है कि अभी मैं ही खो जाती हूँ यहाँ पर। यही है इस पार्क में और उधर। हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और मैंने घर का काम सभी कुछ कर लिया है और अभी बस थोड़े से घर कपड़े हैं वो मुझे तय लगाने हैं, आपको दिखा देती हूँ। तो ये हैं मेरे कपड़े जो मुझे अभी तय लगाने हैं। और उधर बन रही है चाय किचन में, तो तब तक मैंने सोचा व्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। और आज है इनकी छुट्टी, तो आप लोगों को पता है जब इनकी छुट्टी होती है तो हम कहीं ना कहीं जाते हैं बाहर। तो अभी देखते हैं हम जहाँ भी बाहर जाएंगे आपको भी दिखाएंगे, तब तक आप ऐसे ही मेरे व्लॉग में स्टे ट्यून रहें। तो फिलहाल अभी ये कर लेती हूँ कपड़े तय। तो इधर हो गए हैं कपड़े तय, जैसे कि आपने अभी देखा उसमें थोड़ा सा मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, बट मैं ही हूँ वो, तो आप उसको ऐसे ही देख लेना, क्योंकि उसमें फेस क्लियर नहीं आया क्योंकि मुझे कैमरा सेट करना पड़ा, तो यही दिक्कत की वजह से उसमें फेस क्लियर नहीं आया है। तो इधर हो गए हैं कपड़े तय, ये आप देख सकते हो ये कपड़े हो गए हैं तय। और अब मैं इनको अलमीरा में लगा देती हूँ, क्योंकि ये और भी कपड़े रखे हुए थे कल परसों के, तो वो भी नहीं लगाए थे, तो अब इन सबको एक साथ लगा देती हूँ अलमीरा में, कपड़े और अपने कपड़े अलग अलग कर लेती हूँ। तो भाई बढ़िया करके कपड़े कुपड़े सब अलमारी में लग चुके हैं, जैसे कि आपने देखा। अभी तो थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बार बार कपड़े निकालो बार बार वो करो तो ऐसे हो जाता है। मेरे से तो वैसे भी ऐसे हो जाता है, इनकी तो फिर भी कवर्ड बिल्कुल सही है अपने तरीके से, मैंने तो बहुत ख़राब कर रखा है इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया, बाद में दिखाऊंगी किसी और दिन। तो फिलहाल अभी पीते हैं चाय, फिर मैं आपको मिलती हूँ। गई है चाय और अब हम पीते हैं, अब मैं इनको देती हूँ। अब आपको ये भी लग रहा होगा एक कप में चाय कम क्यों है, क्योंकि मैं बता देती हूँ मैं चाय कम पीती हूँ, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी ली है और ये उनके लिए है। अब बिस्किट्स तो वहीं हैं, तो चलिए इसको पीते हैं, आप भी हमारे साथ इंजॉय करिए। तो भाई चाय वगैरह तो पी ली है मैंने और अब मैं चलती हूँ नहाने, फिर नहा के मैं डायरेक्ट रेडी हो जाऊँगी जो मुझे आज वेयर करना है। आज मैं कुर्ती वेयर कर रही हूँ, तो अभी मैं नहाती हूँ, फिर मैं रेडी होती हूँ, फिर आपको मिलूँगी। मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो मेरी कुर्ती, और उधर इन्होंने पूजा कर दी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। हम मैं जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, इन्होंने भी वेयर कर लिए हैं कपड़े और बस अब हम थोड़ी देर में जाएंगे, तो फिर लोकेशन भी दिखाऊंगी आपको कहाँ जा रहे हैं। अब हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं लोकेशन, तो आप लोग ऐसे ही बने रहे, ये तो आगे चले गए, मैं चलती हूँ अब। भैया और अब हम चलते हैं, देख सकते हो आज बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, वेदर या ओमान का आप भी इंजॉय करो। वैसे तो बाहर तो गर्मी हो रही है पर अंदर एसी में तो खैर नहीं पता चल रहा है इतना, बट आप बाहर ऊपर आसमान देख सकते हो कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, बट बारिश तो यहाँ होती नहीं है। पर एक होलसेल करके कोई मार्केट है, मतलब मॉल टाइप का ही, तो हमें थोड़ा सा घर का सामान भी लेना था, यही होती है हमारी डेस्टिनेशन। आप लोग भी बोलोगे यही व्लॉग बनाती है, यही दिखा देती है, बार बार मॉल जाती है, बाहर का तो कुछ दिखाती नहीं है, बट कोई बात नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम अंदर जा रहे हैं, हमें थोड़ा घर का सामान लेना है ग्रॉसरी का,
फिर उसके बाद देखते हैं जहाँ जाएंगे तो वो दिखाऊंगी। और इसके बिल्कुल अपोजिट में वहाँ पर है एक पार्क, वो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा, अभी जब मैं प्रॉपर पूरा खुद देखूंगी तब दिखाऊंगी। तो चलो अंदर चलते हैं। और ये गेट खुल चुके हैं मेरे लिए और ये तो अंदर जा रहे हैं, मैं भी चलती हूँ, आप यहीं से देख सकते हो। तो हम इधर अंदर आ गए हैं और इस तरफ सब वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये आप देख सकते हो, सब जगह यही है। और इधर ये है, ये मिक्सी देख रहे हैं। और अभी उधर चलते हैं हम उस तरफ, वहाँ भी अलग अलग सब आइटम्स हैं। ऐसे घूम रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पूरा अभी खाली है, सारे आइटम्स हैं। ये एक बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है क्योंकि अभी इफ्तारी चल रही है लोगों की, तो इस वजह से अभी पूरा खाली है, फिर उसके बाद भीड़ होगी। तब तक हम भी शॉपिंग करते हैं, फिर देखते हैं क्या लेते हैं। ये इतना बड़ा मॉल है कि अभी मेल्ट हो जाती है यहाँ पर, ढूंढते रहो, अभी तो यही कहीं और चले गए थे, गायब हो गए थे। ये ले लिया है सामान, चलते हैं अब। तो भाई शॉपिंग हो गई है, शॉपिंग भी क्या मतलब, घर का सामान थोड़ा बहुत ले लिया है, सब्जी रह गई है, वो बाहर से लेंगे मंडी से ही। तो अब फिलहाल चलते हैं बिलिंग कराने। ये पोलो देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। बहुत खाती थी मैं पोलो, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो आज इसको फिर ले लेते हैं, फिर ट्राई करेंगे एक बार फिर से। मैंने दो पोलो ले लिए हैं, हमें ये भी चाहिए था टूथपिक, बट हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे तो ये मिल गई हमें टूथपिक, हम इसको लेते हैं। फ्रूट्स वगैरह के भी काम आती है ये खाने के, और दांत में भी कभी कुछ फंस जाता है तो वो भी काम आता है, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। सर ये खड़े हैं और अभी हम फिलहाल वेट कर रहे हैं, तब तक आप यहाँ बाहर की लोकेशन देखिए कैसी है। तो फिलहाल मैंने खा लिया पोलो, मज़ा आ गया है। और अभी गए हैं अंदर सामान रखने, क्योंकि साकिब भाई को काफ़ी लेट हो जाएगा, वो कहीं चले गए हैं, तब तक हम सामान लेके कहाँ घूमेंगे, हैवी भी हो गया है। तो अब हम फिलहाल देखते हैं वो जो पार्क है जो मैंने आपको व्लॉग में बताया था, अगर मैं उधर जाऊँगी तो वो आपको पार्क भी दिखाऊँगी, बाकी देखते हैं। तो फाइनली हम चल रहे हैं पार्क की तरफ, और आप भी देखना वो पार्क कैसा है। और ये है ये, और ये मेरे को लेकर जा रहे हैं पार्क कि चलो पार्क देख लो। तो चलो पार्क देख लेते हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, फिर आपको भी दिखा देते हैं। अभी हम अंदर आ गए हैं पार्क के, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, और अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। बैठे हैं मुस्लिम्स पीपल, वो अपना मतलब उनकी इफ्तारी चल रही है, खाना वाना खा रहे हैं, तो वो लोग बैठे हैं इस तरफ भी, इस तरफ भी, सब जगह। तो बस यही है इस पार्क में। और उधर की तरफ थोड़े झूले वगैरह हैं, उधर छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं, और सब लोग बैठे हैं अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने भी देख लिया है पार्क, और ये चल रहे हैं आगे, ये जा रहे हैं, बस ऐसा ही है इस पार्क में सब कुछ, उधर भी झूले हैं, ऐसा ही ऐसा है। अब हमने घूम लिया है यहाँ पर पूरा पार्क, और आप लोगों ने भी घूम लिया है मेरे साथ, देख लिया है पार्क, और अब हम चलते हैं बाहर, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। और इधर ये भी मेरे साथ हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं घूम के बाहर, जैसे कि आपने देखा पार्क वगैरह, और हम कहीं नहीं गए, बस भैया का वेट कर रहा था थोड़ी देर, फिर हम आ गए घर वो सामान लेकर। और अब मैं बनाती हूँ खाना, तो आज मैं बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ खाने में, तो चलिए अभी दिखाती हूँ। और अब मैंने इधर ये कट कर दिया है प्याज रफली, और उधर मिर्च रखी है वो भी अभी कट करूँगी, और इधर टमाटर मैंने कद्दूकस कर दिया है,
इधर है पनीर, इधर है मटर और अब मैं बनाती हूँ इसको। चलो इसको कुकर में बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा मटर गलने में टाइम लगाती है, तो उसमें मसाला वसाला अच्छे से कुक हो जाता है, तो मैं इसीलिए इसको कुकर में बनाऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैंने डाल दिया है तेल और अब मैं जब तक तेल थोड़ा गर्म होगा तब उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये प्याज डाल दिए हैं कटे हुए, और कटे हुए प्याज डालने के बाद थोड़ा सा इनको भून लेती हूँ। और फिर इनको भूनने के बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्च कट कर रही हूँ थोड़ी सी, दो चार जो मैंने आप ली थी वो भी मैंने यहाँ ऐड कर दी है। अब इनको भी थोड़ा सा कुक हो जाएंगी, सॉटे हो जाएंगी मतलब। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर में सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और खड़े मसालों वाला मसाला होता है वो भी सब ऐड कर दिया है। टमाटर अब जैसे ही प्याज कुक हो जाएगा तो मैं टमाटर डाल दूँगी। तब तक मैंने सोचा कि थोड़े से बर्तन पड़े थे जब तक प्याज पक रहा है, तो तब तक मैंने बर्तन धो दिए और ये इधर इधर अंदर बाहर अंदर करे जा रहे हैं पीछे, और इधर मेरे बर्तन धुल गए हैं तो इधर प्याज देख रही थी मैं अब बस। और ये मेरे लिए फैंटा लेकर आए थे कि ये भी पी लो, तो मैंने खाना बनाते बनाते फैंटा भी पिया। और बस अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, ये टमाटर ऐड कर दिया है मैंने। और अब जब तक थोड़ा कुक होगा, इसको कुक होने छोड़ दिया है मैंने, थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है और अब इसको चला दिया है थोड़ा सा, तब तक गैस भी साफ़ कर दी है। और उधर मेरा सारा काम भी हो गया है और ये भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और साथ में फैंटा भी पी जा रही है, फैंटा का भी मज़ा लिया जा रहा है काम के साथ साथ। और इधर जब तक खाना बन रहा है तो मैंने सोचा एक तरफ रोटी भी बना लेती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। तो एक तरफ मैंने इधर तवा रख दिया है और अब मैं आटा निकाल के ले आई थी फ्रिज से, और अब इधर मैंने सिल्वर फॉइल लगाई, फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाना स्टार्ट किया। अब मैं रोटी यहाँ पर बना रही हूँ, मतलब रोटी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने आटा निकाल लिया है, ये यहाँ पर अब बन रही है रोटी। तो यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से सोचा दोनों काम एक साथ भी हो जाएंगे, तो इधर रोटी भी स्टार्ट कर दी है मैंने बनानी। तो इधर यहाँ पर रोटी भी बन रही है और बस ये काम हो जाएगा जल्दी से दोनों एक साथ। उधर मेरा मसाला पक रहा था तब तक, जब तक मसाला नहीं पका। आपने देखा जैसे कि मेरा इधर सब्जी भी बन रही है, इधर मैंने रोटी भी बना ली है, तो मेरा खाना पूरा बन चुका है। बस अब हम थोड़ी ही देर में खाना खाएंगे। व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें। बाय।